हेलो दोस्तों, आज हम अबॉर्शन सॉरी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, कार्डिनल मूवमेंट ऑफ द लेवल, तो बताओ कौन से कार्डिनल मूवमेंट है। तो इसके कार्डिनल मूवमेंट है, इस पहला वाला आंसर है इसका, एंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन, रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एक्सपल्सन। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप इसमें देख सकते हो, एवरी डिसेंट फीमेल आई चूज टू एम्प्लॉय राइट एक्सट्रीमली। तुम इससे याद कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमनली पूछा जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच कार्डिनल मूवमेंट अकर ड्यूरिंग लेवा। तो इस देखो, ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, पीजीआई का है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, इंटरनल रोटेशन और डिसेंट। और ये ए सिनक्लिनेशन नहीं होता। तो इसका आंसर है ए बी सी डी, अभी डिस्कस किया था ना। नाउ थर्ड क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ लेटेंट फेज ऑफ लेवल इज अफेक्टेड बाय, किससे अफेक्ट होती है बताओ। तो इसमें अर्ली यूज ऑफ कंडक्टिव एनेस्थीसिया एंड सिडेटिव और अनराइप सर्विक्स, ठीक है, ये मेनली दो प्रक्रियाएं अफेक्ट करती है। तो अनराइप सर्विक्स होता है, उसके लिए क्या देते हैं, उसके लिए देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन PGE2 PGE1, यस। और अर्ली यूज ऑफ द कंडक्शन एनेस्थीसिया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रोलोंग लेटेंट फेज इज आर सीन इन द, किसमें देखी जाती है बताओ। इसका आंसर है हाँ, अनराइप सर्विक्स, एक्सेसिव यूज ऑफ सेडेशन और एपिड्यूलर अर्ली एपिड्यूलर एनाल्जेसिया। तो इस कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज कब बोलते हैं, जब लेटेंट फेज मल्टीपेरा वुमेन में 14 घंटे से ज़्यादा, कितने 14 घंटे से ज़्यादा, और नलिपेला में 20 घंटे से ज़्यादा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग लेटेंट फेज, यस। ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो अ फीमेल एट द 37 वीक ऑफ जेस्टेशन हैज माइल्ड लेवल पेन फॉर 10 आवर, है ना, 37 वीक है जेस्टेशन, माइल्ड लेवल पेन हो रहा है 10 घंटे से, सर्विक्स से परसिस्टेंटली 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है, बट नॉट एफेसमेंट, एफेसमेंट नहीं हुआ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। तो अब तुम्हें याद होगा कि डिफरेंस होता है ट्रू लेवल पेन और फास्ट लेवल पेन। ट्रू लेवल पेन में क्या होता है कि एफेसमेंट होता है सर्विक्स का और वो डायलेटेड होता है, बट फॉल्स लेबल पेन में क्या होता है कि माइल्ड पेन होता है, अपर एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है और उसमें कोई चेंज नहीं मिलता सर्विक्स में। तो इसमें ना ही सर्विक्स डायलेट हो रहा है, एफेसमेंट हो रहा है। तो कंफर्म करेंगे कि ट्रू, तो ये मोस्ट कॉमनली फॉल्स लेबल पेन वाली कंडीशन हो सकती है। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट को सिडेट करेंगे और बेड करेंगे, है ना, ठीक है। नाउ अपन क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। एक 37 वीक पे फीमेल आती है, उसकी प्राइमी है, प्राइमी गेविडिया है, उसका विथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है फॉर 10 घंटे से, सर्विक्स 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है एंड पुअरली इफेस है, मैनेजमेंट क्या होगा। तो इस कंडीशन में भी हम यानी रूल आउट करेंगे कि यानी जो उसको लेबर पेन है फॉल्स है कि शुड, मतलब कि ट्रू है कि फॉल्स। तो उसमें भी क्या करेंगे, पेशेंट को सिडेट करेंगे और जिससे कि क्या हो जाएगी, पेशेंट सो जाएगी, जब वो उठेगी तो अगर कॉन्ट्रेक्शन चले गए और उसका पेन वगैरह चला गया तो फॉल्स है। अगर उसका सर्वाइकल चेंज दिख रहा है, यूट्रस कॉन्ट्रेक्शन लगातार बना है, तो ट्रू लेवल पेन होगा। तो इसका आंसर भी कौन सा होगा, डी होगा, है ना, आंसर क्या होगा, आंसर इसका भी डी होगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ द नॉन एंगेजमेंट एट टर्म इन द प्राइमरी। तो बताओ इन कंडीशनों में से मोस्ट कॉमन कॉज है, मैं पहले ही बता दूं कि ये चारों कंडीशन है, इनमें से जो मोस्ट कॉमन है वो नहीं है, लेकिन इन बिटवीन देम पीजीआई का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, इसका आंसर है CPD, ए है इसका आंसर, ए CPD, सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन।
इस कंडीशन में बेसिकली क्या, हाँ सीपीडी मतलब कि बेबी का हेड एज कम्पेयर टू मदर पेल्विस बड़ा है, और जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है ओसीपीटो पोस्टीरियर पोजिशन, यानी ओसीपीटो पोस्टीरियर पोजिशन है ना, मोस्ट का मोस्ट कॉमन कॉज है। लेकिन इन कंडीशनों में ये अदर कंडीशन भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज इनमें से क्या है, सीपीडी। क्वेश्चन है ट्रू लेबर पेन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, तो क्या नहीं है बताओ, तो इसका आंसर होगा अपना इसका आंसर है अपना शॉर्ट वजाइना। ट्रू लेबर पेन में अदर्स कंडीशन जैसे पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, या फॉर्मेशन ऑफ वेव ऑफ वाटर होता है, प्रोग्रेसिव डिसेंट एंड प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, सर्वाइकल का डायलेशन होता है, तो इसका आंसर है बी, है ना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नाइन्थ की बात करते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ यूट्राइन मस्कुलेचर, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, तो ये एम्स का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो इनहेंस बाय प्रोजिस्ट्रोन नहीं, इनहेंस बाय ईस्ट्रोजन नहीं, यस यस ये भी सही है अपना, ईस्ट्रोजन इनहेंस करता है, इनहिबिटेड बाय ईस्ट्रोजन नहीं, ये गलत है, और ये इनहेंस बाय ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिटेड बाय प्रोजिस्ट्रोन, यस ये भी सही है। बट इसमें अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए, अगर सिंगल ऑप्शन किया है तो तुम डी लगाओगे, और अगर मल्टीपल हो जैसे पीजीआई वगैरह हो तो इसमें बी भी आंसर होगा, है ना, तो इसका आंसर कौन सा है अभी, अभी है डी, है ना, एनहेंस बाय ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिटेड बाय प्रोजेस्ट्रॉन, यस। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ फ्लेवर, यस बताओ, इरियोटोनिक विथ इन, इसका आंसर है, डायग्राम बता देता हूँ मैं, यस बी है इसका आंसर, इमीडिएट क्लैंपिंग कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ कॉर्ड, यस ये नहीं करते हैं थर्ड स्टेज, इसमें डिलेट क्लैंपिंग करते हैं, है ना, सम इंडिकेशन है अर्ली क्लैंपिंग का, जैसे कि प्री टर्म और ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड फीचर, है ना, और कौन सा है, बर्थ एस्पेक्ट या आर एच आई सोमिनाइजेशन, एच आई वी पॉजिटिव फीमेल और मेटरनल डायबिटीज, तो उन कंडीशन में इमीडिएट क्लैंपिंग करते हैं, बट जो अपना थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट होता है उसमें डिलेट क्लैंपिंग करते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर और प्रिवेंट पोस्टपार्टम हिमरेज, आंसर बी, है ना, आंसर बी, है ना, इमीडिएट कटिंग एंड कॉर्ड क्लैंप, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पेन इन अर्ली लेवल इज लिमिटेड टू डर्मेटोम्स, यस मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब पेन इन अर्ली वो होता है तो मेनली यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन के कारण होता है, तो उसकी एफरेंट मतलब सेंसरी सप्लाई क्या होती है, उसकी सेंसरी सप्लाई होती है T10 to L1, तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला। हाँ फीमेल अर्ली स्टेज में आई है तो यानी उसको इस यहाँ पर ब्लॉक करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, T10 to L1, है ना, तो ये यानी अपरेंट सिंपेथेटिक सप्लाई होती है अपर सेगमेंट। अब लेटर स्टेज में क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होने लगता है, तो उसमें S2 S3 को भी ब्लॉक करना पड़ता है ना, ये मेनली अपर वन थर्ड ऑफ द वजाइना को सप्लाई करती है ना, और बाद में फिर नीचे की साइड में फिर प्यूडेंडल नर्व को ब्लॉक करना पड़ता है ना, और है ना, तो इस कंडीशन में कौन सा करेंगे, T10 से लेके L1 तक, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, असेसमेंट टू प्रोग्रेस ऑफ लेबर इज बेस्ट डन बाय, इसका आंसर है डी, पार्टोग्राम, यस ओके, यानी असेस करते हैं पार्टोग्राम से, एक फॉर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 14, यस मिस्टर AR G3P1L1A इज फुल टर्म प्रेगनेंट फीमेल इज एडमिटेड टू लेबर ऑन द एग्जामिनेशन, शी हैज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन टू इन, मतलब कि 10 मिनट में दो बार उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और 30 से 35 सेकेंड तक रहते हैं, पर एब्डोमिनल एग्जाम करने पर पाया गया उसका 3/5 ऑफ हेड इज पाल्पेबल पर एब्डोमेन, और पर वजाइनल एग्जामिनेशन करने पर सर्विक्स 4 सेंटीमीटर डायलेटेड है और मेम्ब्रेन रप्चर नहीं हुई इंटैक्ट है, ऑन रिपीटेड एग्जाम करने पर 4 घंटे बाद
सर्विक्स 5 5 सेंटीमीटर डायलेटेड हो जाता है, स्टेशन इज अनचेंज है ना, स्टेशन को कोई चेंज नहीं होता और सर्विको ग्राफ रिमेन टू है ना। और हाँ इसके बाद में द राइट ऑफ द अलर्ट लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, मतलब कि ये कंडीशन है, आई एन मतलब फीमेल आई है उसकी ये कंडीशन शो कर रही है, तो इसमें क्या करेंगे? तो इसका आंसर है हमको यानी ये सब कंडीशन मिल रही है, जैसे कि अब यहाँ पर बात करते हैं उसको प्रिलिमिनरी एग्जाम करने पर वो 3/5 मिल रही है, मतलब कि इंगेज नहीं हुआ है। अगर वो इंगेज हो जाता है तो उसका जो मिलता है ना वो होता है अपना 1.5 बचता है, हेड फील होता है 1.1/5, बट इसमें कितना हो रहा है 3/6, इंगेज नहीं हुआ है। हाँ मतलब फीमेल एक्टिव फेज में आई थी तो उसमें एक्टिव फेज में जो और पेशेंट मल्टीपेरा है तो जो डायलेटेशन होने की स्पीड है वो कितनी होती है 1.5 सेंटीमीटर पर आवर, बट कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी 4 से कितना हुआ है 5 ही तो हुआ है, मतलब भी डिले है, तो इस कंडीशन में हमको इंटरवेंशन लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कौन सा होगा? डी। सॉरी इसका क्वेश्चन डी नहीं सी होगा, इंटरवेंशन लेना पड़ेगा ना, तो 30 पॉइंट में लिखा है ही सर्वाइको ग्राफ स्टेटस सजेस्ट ऑफ इंटरवेंशन, क्योंकि ढंग से उसका डायलेटेशन नहीं हो रहा वो अलर्ट लाइन क्रॉस कर देगी है ना। तो ठीक है क्वेश्चन नंबर 15, मतलब कि इनमें से कौन सा इंडिकेशन, मतलब आज सभी इंडिकेशन है अलिक्लेम का किसको छोड़ के, तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है अपना पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी। हाँ इसमें एक आता है कि प्री टर्म डिलीवरी में क्यों करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हाँ मैं बताना था कि जो प्री टर्म होता है ना उसमें जो कोर्ट का ब्लड है वो यानी अंदर चला जाएगा ना, मतलब कहाँ पर बेबी में, तो उसमें कंजेस्टिव हार्ट डिसीज करा सकता है, क्योंकि लगभग यहाँ तक कि 40 से 50 ml तक ब्लड चला जाता है ना, क्योंकि उसका प्रीमेचर होता है हार्ट इसके कारण। नीचे लिखना है तुम्हें कमेंट बॉक्स में कि कितना ब्लड होता है कॉर्ड में। यस क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग एक्टिव लेबर सर्वाइकल डायलेशन पर आवर इन प्राइमरी कितनी होती है, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर है बी। इसका आंसर क्या है? बी है ना, है ना 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होती है प्राइमरी गेबिडा में, सॉरी यानी जो प्राइमरी गेबिडा की बात कर रहा है तो उसमें होती है 1.2 सेंटीमीटर पर आवर होती है प्राइमरी गेबिडा में, और जो मल्टी गेबिडा फीमेल होती है उसमें 1.5 सेंटीमीटर पर आवर होती है क्या एक्टिव फेज में सर्वाइकल डायलेटेशन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस क्या होता है? इसका आंसर है हाँ मिडिल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ द मायोमेट्रियम बेसिकली होता क्या है, मतलब कि जो मिडिल यानी जो मायोमेट्रियम में भी 3 लेयर होती है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, मिडिल क्रेस्कोस एंड इनर सर्कुलर लेयर। तो क्या होता है कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है ना मिडिल वाई लेयर तो उसमें ब्लड फिल हो जाता है, तभी तभी तो उसको क्या बोलते हैं लिविंग लाइगेचर। ये है ना एक और बात है फिगर ऑफ 8 फॉर्म भी करती है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डेफिनाइट साइन ऑफ द प्लेसेंटा सेपरेशन इन स्टेज 3 ऑफ पार्चुरेशन, डेफिनेट साइन क्या होता है? हाँ तो इसका आंसर है गसिंग ऑफ ब्लड एंड लेंथनिंग ऑफ कॉर्ड, ए और बी इसका आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं, बेग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर
वेग ऑफ मेम्ब्रेन रप्चर कब होता है? तो इसका आंसर है आफ्टर, इसका आंसर है क्या, बी, आफ्टर फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स, है ना, इसका आंसर है बी। कभी कभी क्या होता है कि मेम्ब्रेन रप्चर नहीं होती और जो फिटस की डिलीवरी यानी मतलब जो न्यू बर्न की डिलीवरी हो जाती है उसमें इंटेक्ट रहती है मेम्ब्रेन, तो उसका जो फेस को कवर करती है ना मेम्ब्रेन, तो उसको बोलते हैं काउल, CAWL, है ना। अब क्वेश्चन नंबर अपन 20 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, परसेंटेज ऑफ वुमेन हु डिलीवर्ड ऑन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यस, यानी जो ED बताते हैं, तो कितने परसेंट होती है? इसका आंसर पता है क्या है? इसका आंसर है तुम्हारा केवल 4%, केवल 4% फीमेल का ही एक्सपेक्टेड डे ऑफ डिलीवरी हो पाती है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही सही है। अब जो मतलब कि लेबर क्वेश्चन पार्ट टू में बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लगभग अपन 37 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।